हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, उसका टाइटल है यूपी में लौटी नाम बदलने की राजनीति। मुगल संग्रह बना छत्रपति शिवाजी संग्रह। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है ये तो योगी जी का कमाल ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। तो वीडियो देखते हैं, पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। नमस्ते भारत में आज की एक और अहम खबर। यूपी में नाम बदलने की सियासत एक बार फिर से शुरू हो गई है। इस बार यूपी सरकार ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदल दिया है। अब मुगल म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, फैजाबाद बना अयोध्या, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर, और अब आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम हो जाएगा छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। ताजमहल की वजह से दुनिया में मशहूर आगरा में इस वक्त मुगल म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, लेकिन योगी सरकार ने म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला लिया है। मुगल म्यूजियम को अब मुगलों के सबसे बड़े विरोधी छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाएगा। आगरा डिवीजन में विकास के कामों की समीक्षा के दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान किया। इस फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं, हम सब के नायक शिवाजी महाराज हैं। ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहे मुगल म्यूजियम को 2015 में अखिलेश सरकार के दौरान मंजूरी मिली थी, लेकिन अब म्यूजियम का नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ तो उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को और पुख्ता किया है, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के बहाने शिवसेना की सियासत पर बीजेपी का दावा मजबूत किया है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से नाम के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला योगी सरकार ने ले लिया है, जिस पर सियासत भी गर्मा सकती है। फैसला लिया गया है कि मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा, और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने खासतौर पर ट्वीट भी किया। योगी आदित्यनाथ ने आगरा मंडल की बैठक के बाद एक ट्वीट किया, उसमें बताया कि आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आगे वो लिखते हैं, आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। तो योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले पर क्या ट्वीट किया, हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं, जय हिंद जय भारत, ये ट्वीट किया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM के सांसद सैयद इम्तियाज जलील मौजूद है। इम्तियाज साहब, वो कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत तो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले कुछ सालों में तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आए हैं, क्या रिएक्शन है इसका? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक कहावत जो है कि नाम में क्या रखा है, व्हाट इज देयर इन अ नेम। लेकिन सरकारों के लिए ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिन सरकारों के पास दिखाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो लोगों का मन भटकाने के लिए, एक नई चर्चा को जन्म देने के लिए इस तरह के बहुत सारे सरकारें ऐसे हथकंडे अपनाती है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी सड़कों के नाम बदल दिए गए हैं। महाराष्ट्र में जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने भी कई शहरों के नाम बदल दिए थे, कई सड़कों के नाम बदल दिए थे, कई जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनके नाम बदल दिए थे, और अब ये योगी आदित्यनाथ साहब कर रहे हैं। एक बात मैं उनको साफ तरीके से बताना चाहूंगा, उनको और उनके जैसे बहुत सारे नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को, कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है। देखिए, आपको इतिहास के अंदर कोई कैरेक्टर्स पसंद आते होंगे, कोई कैरेक्टर्स नहीं पसंद आते होंगे, लेकिन हकीकत एक इतिहास इतिहास रहता है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर मुंबई में अगर आपको मालूम होगा कि एक वीटी स्टेशन हुआ करता था, बहुत मशहूर, जो एक आइकॉनिक बिल्डिंग है मुंबई की वीटी स्टेशन की, जिसको अब हम वीटी स्टेशन नहीं कहते हैं, विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन नहीं कहते हैं, हम उसको अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं। ये वही भाजपा की और शिवसेना के दौर हुकूमत के अंदर हुआ, उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम विक्टोरिया टर्मिनस को अगर हम वीटी स्टेशन कहेंगे ये स्टेशन को, तो हमें अंग्रेजों के इस दौर की याद आएगी जब अंग्रेज इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस बोर्ड को निकाला, उस बोर्ड को निकालकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना दिया। लेकिन हकीकत यह है कि वो स्टेशन कब बना था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या योगदान था उस स्टेशन बनाने के लिए,
तो नहीं, विक्टोरिया जब अंग्रेजों के दौर की वो बिल्डिंग बनी है तो बिल्डिंग वही है, नाम बदल दिया गया है। तो आप इतिहास को जब तोड़ मड़ो के पेश कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये बताया गया है, बचपन से ही हमको ये सिखाया गया है, किताबों के अंदर तक ये दिखाया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे एक एंटी हिंदू थे, जबकि हकीकत एंटी मुसलमान थे, जबकि हकीकत यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी ट्रस्टेड सिपहसालार थे, जितने भी उनके करीब का जो एक ग्रुप हुआ करता, सत्ता के खिलाफ थे जो देश को गुलाम बनाना चाहती थी। वो वहां पर जरूरी नहीं मुगल होते हो, कोई और भी होते। जी जी, मैं आपको लेकिन एक ज़हनियत, लेकिन देखिए एक ज़हनियत जो बनाई गई थी मुसलमानों का, ऐसा लगता था कि अरे छत्रपति शिवाजी महाराज मतलब ये हिंदुओं के कोई बड़े ये है करके, जबकि हकीकत ये थी कि मुसलमान भी छत्रपति शिवाजी महाराज के उतने ही करीब थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज खुद मुसलमानों को बहुत करीब से लेकर चलते थे। लेकिन एक तरीके से इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन जो हिस्ट्री जानते हैं वो हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझते हैं। आपने इतिहास की बात की और कहा कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, और मैं मानती हूँ कि इतिहास में पिक एंड चूज भी नहीं हो सकता। अगर हमारी साझी विरासत मुगल है तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी है, और यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, क्या दिक्कत? जी बिल्कुल, ये तो महज एक इत्तेफाक है कि आज ये नाम के ताल्लुक से जो आगरा में बन रहा है, जो मुगलों के नाम से रखा जा रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं उस राज्य से आता हूँ जहाँ दोनों का ताल्लुक है, कि मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो खबर है वो वहीं पर है, मजार जो है औरंगाबाद के अंदर ही है। एक सादा सा एक खबर है कि वहां पर जाएंगे आप तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि ये मुगलों का कभी बादशाह हुआ करता था। इस खबर के ऊपर ऐसा नहीं है कि बहुत आलीशान उनके लिए कोई एक मजार बनाई गई है या महल तैयार किया गया है कि यहाँ पर औरंगजेब साहब दफन किए गए थे। अगर मजार कितनी छोटी या बड़ी हो, इतिहास में औरंगजेब है, उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, ठीक है, जैसे शिवाजी महाराज है। पब्लिक ब्रेक। तो फ्रेंड्स, इसमें तो ये दिखा रहे थे कि जो बोल रहे हैं उनका तो व्यू पॉइंट ये था कि काइंड ऑफ की चेंज नहीं करना चाहिए था, पर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि डेफिनेटली हमारी हर जगह का नाम वो होना चाहिए जो हमारे एक रोल मॉडल बन सके, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हुए हो और वो हमारे हीरोज हो। तो अगर हम नाम रखें उन लोगों का जिन्होंने हमारे देश में आके कुछ गलत किया हो या इनजस्टिस की हुई हो, तो उनके नाम रखना नहीं बनता। और इसे मुझे याद आ रहा है, यूएस में भी कई जगहों पे ऐसे स्टैचूज थे, और ये ऋषि के थ्रू मुझे पता चला था कि उन्होंने कई ऐसे स्टैचूज रखे थे। उनके स्कूल में भी ऐसी डिस्कशन हुई थी कि ऐसे स्टैचूज जो जगह जगह बने हुए हैं, तो बताओ तुमको क्या लगता है, क्या उन स्टैचूज को, उन लोगों की स्टैचूज को, या उनको हटा देना चाहिए कि रहने देना चाहिए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। तो बच्चों का कहना मेजॉरिटी का यही था कि हमें वो स्टैचूज हटा देने चाहिए उन पब्लिक एरियाज में से, क्योंकि उन लोगों ने गलत काम किए थे तो उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। उसकी जगह हमें स्टैचूज उन लोगों के रखने चाहिए जिन्होंने उस अपने देश के लिए या उसके अगेंस्ट जिन्होंने फाइट किया था। तो स्लेवरी से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, तो उनके लोगों के थे जिन जो स्लेवरी को प्रमोट कर रहे थे, उस स्लेवरी के जो फेवर में थे, तो उनके स्टैचूज हटा के उन लोगों के डालने चाहिए, लगाने चाहिए जो स्लेवरी को हटाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और उन्होंने कहा कि अगर आपको रखना है, कि अगर इस व्यू पॉइंट से आप कहते हो कि स्टैचूज जो हैं उनको रखो क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, ताकि हमें याद रहे, क्योंकि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, तो उसके लिए आप उनको म्यूजियम में रखो। तो आपको म्यूजियम में रखोगे, जब लोग जाएंगे तो उनको हिस्ट्री का वहां से पता चल जाएगा, पर बाहर पब्लिक एरियाज में जहां सब बच्चे जाते हैं, लॉन और पब्लिक जा रही है, वहां पे तो उन्हीं लोगों के होने चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे मेरे हिसाब से जगहों के नाम, बाकी चीजें सब उन्हीं के होनी चाहिए जो हमारे रोल मॉडल बनने के लायक हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो योगी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ये तो अभी नई बिल्डिंग बन रही थी, तो नए बिल्डिंग का डेफिनेटली अगर नाम ठीक देंगे, और छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता, जितने उनके मतलब वो तो हमारे ट्रू हीरो हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ऑब्वियसली उनका तो उनको तो इम्पोर्टेंस और इस टाइप की इज्जत देना तो हमारा फर्ज बनता है। राइट, अब ये जो है काफी
कॉन्ट्रोवर्शियल और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसमें जो है आपको लॉजिक से देखना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक देश हैं और आपके देश में कोई अटैक करता है और आपको आपका कब्जा कर लेता है, आपके एरिया में अपनी किंगडम शुरू करता है, चीज़ें बनाता है या एग्जिस्टिंग चीज़ों को रीनेम करता है अपने कल्चर के दौरान। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आप पहले थे, सब कुछ ठीक था, कोई बाहर से आया ज़बरदस्ती आया, वॉर हुई, आप हार गए, अल्टीमेटली उसने एनेक्स किया आपकी किंगडम को, आपके एरिया को एनेक्स किया, फिर उसने अपनी चीज़ें बनाई या उसने जो है एग्जिस्टिंग चीज़ों का नाम दिया। उसके बाद जब आप आज़ाद हो गए, आपके पास वापस कंट्रोल आ गया, तो आप क्या करेंगे? तो आप वही करेंगे कि जो चीज़ें आई थी उनको अपने हिसाब से नाम देंगे, आप हर चीज़ जो रिवर्ट करेंगे, क्योंकि अब आप कि आप जीते हैं, अब आप लिबरेट हो गए, अब आप फ्री हो गए, अब आपके हैं। जो वो जो बंदा बाहर से आया था, वो बाहर से आया था, ठीक है। तो एक कॉमन हर कोई इंसान यही करेगा, आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, क्योंकि आप ये कहेंगे कि बाहर से कोई इंसान मेरे यहाँ आया था, लड़ते हुए आया था, दोस्ती से नहीं आया था, ऐसा नहीं था कि शरण दी गई, ऐसा नहीं, लड़ने के लिए आया था, उसने तुम पे वॉर की, उसने तुम्हारा एरिया लिया, तुम पे राज किया। जब तुम फ्री हो गए तो ऑब्वियसली तुम सब चीजों को रीनेम करोगे। अब इस बात में किसको ऑब्जेक्शन है? और अगर कोई कहता है इस बारे में कि देखिए जो आया था उसने अपने हिसाब से किया, करेक्ट, उसको हमने बुलाया था, नहीं, आप जबरदस्ती से आए, आप वॉर करके आए, आप लोगों को हरा के, आपने जो भी एग्रेसर आता है पहले अब्यूज करता है वो, फिर गद्दी पे बैठता है, तो आप विलिंगली तो नहीं, हमने विलिंगली तो नहीं बुलाया था ना, बाहर से आए थे अनविलिंगली मारते हुए लोगों को, अगर उस तरीके, क्योंकि वॉर तो मैं मारना होता ही है, जो वॉर होती है तो आपस में लड़ाई होती है, जो हार जाएगा उस पर अब्यूज होते हैं, दूसरा रूल करता है, ठीक है। तो ये जो भी हुआ था तरीका गलत था, क्योंकि गलत तरीका है, तो जो आपने बनाया, अब जो जीत गया, जिसकी अपनी भूमि वापस उनके पास आ गई, तो रीनेम कर रहा है अपने कल्चर के तरीके से, अपने अपने रिलीजन के तरीके से कर रहा है, जैसे उसका उसकी धरती थी आपके आने से पहले, राइट। तो वही आपके आने से पहले जैसे धरती थी वैसी कन्वर्ट करें। इसमें अच्छी बात है, हमारे जमाने में बॉम्बे में वीटी होता था, वीटी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं है, क्योंकि अभी हमारी कंट्री है, जो अंग्रेज आ रहा है उसको हमारे नाम नजर आने चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश में आया है, राइट। और अगर कोई मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कंपनी में मर्जर्स होता है कि दो कंपनियां हैं या दो कंट्री हैं, दो कंट्रीज आपस में मर्ज हो रही हैं भाईचारा से, वो बात अलग होती है, मगर आप अगर अटैक करते हुए आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, आप राज कर रहे हैं किसी पे, तो अन्याय कर रहे हैं, तो ये गलत बात थी। जब आपके हाथ में कंट्रोल वापस आएगा, ऑब्वियसली आप रीनेम करेंगे अपने ओरिजिनल कल्चर की तरह से, जिस तरीके से आपकी धरती थी ओरिजिनली। तो यस फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।